सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी का पलामू आगमन हुआ। सतबरवा से लेकर चियांकी हवाई अड्डा तक जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक ने किया एवं संचालन जिला महामंत्री सुरेंद्र विश्वकर्मा ने किया। लोगों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक ने जिले के कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष एवं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के सुख दुख में सदैव खड़ा रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ प्रदेश से मिले सभी कार्यक्रमों को ईमानदारी पूर्वक करते रहे हैं एवं स्थानीय मुद्दों पर हमेशा संघर्षरत रहते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पलामू की धरती पर आकर वे खुद को बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह वही धरती है जहां के लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर समर्थक हैं। यहां के लोगों ने जनसंघ काल से ही हमारी पार्टी को खूब समर्थन दिया है। यहाँ के लोगों ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जिले के सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया है। इसके लिए मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ की भगवान स्वरूप जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी विधायक जनता के उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास कर रहे होंगे। उन्होंने पलामू जिले के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि आपके बदौलत ही पलामू जिले में पार्टी को अपार सफलता मिली है, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब दूसरे दल के कार्यकर्ता अपने घरों में दुबके हुए थे, तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत यहाँ के लोगों की खूब सेवा की। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने खेतों में जाकर किसानों के साथ धरना देने का काम किया, साथ ही भाषा विवाद और हेमंत सरकार के तुष्टिकरण नीति के खिलाफ भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने खूब संघर्ष किया है, जो काबिले तारीफ है। एक तरफ जहां रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष किया, वहीं मॉब लिंचिंग का शिकार हुए रुपेश पांडे को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे कार्यकर्ता संघर्षरत हैं। उन्होंने कहा कि रुपेश पांडे को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हमें न थकना है न रुकना है। हेमंत सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यह सरकार सिर्फ पैसों की उगाही में लगी हुई है, इनको राज्य की जनता की जरा भी चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने खजाने की चिंता है और उसे भरने में लगे हुए हैं। इस सरकार में सरकारी पदों की बोली लगाई जा रही है, जो अफसर ज्यादा बोली लगाता है वही जिला पदाधिकारी या बीडीओ सीओ बन रहे हैं। ज्यादा पैसा उगाही करके देने वाले पदाधिकारियों की गिनती हेमंत सरकार के चहेते पदाधिकारियों में हो रही है। हेमंत सरकार को रोजगार पर घेरते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता के नाम पर राज्य के युवाओं को छलने का काम किया है। हेमंत सरकार को राज्य के युवाओं को रोजगार की चिंता नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होते हुए भी खुद बेरोजगार हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ खुद के अपने भाई और अपने परिवार के रोजगार की चिंता है। तभी तो अपने भाई को कोयला और बालू से पैसे की उगाही का काम देकर खुद कई माइंस का लीजी भी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने ही राज्य में स्टोन चिप्स का लीज लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में अपराध एवं उग्रवाद की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, आए दिन रेप मर्डर लूटपाट एवं अपहरण की घटनाएं घट रही है, जिस पर राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि पलामू लोकसभा क्षेत्र से संबंधित हर एक मुद्दे को लोकसभा में उठाने का काम किया है। आपके सांसद लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, यह इनकी सबसे बड़ी खूबी है। मौके पर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकारी पदाधिकारी बगैर पैसों के जनता का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता है, जिससे जिले तथा राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके। उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार गंदी राजनीति के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल रही है,
जिससे पलामू लोकसभा क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है। इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को सड़क पर आने की जरूरत है। मौके पर डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया, पाटन छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने भी अपने वक्तव्य रखे। जिला महामंत्री श्याम बाबू ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू एवं बाल मुकुंद सहाय, श्याम नारायण दुबे, विवेक भवानी सिंह, मनोज सिंह, कृष्ण तिवारी, पूर्व सांसद मनोज कुमार, डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी, जिला प्रभारी विनय जायसवाल, मेयर अरुणा शंकर, उप मेयर मंगल सिंह, अशोक सिंह, प्रेम सिंह, परशुराम ओझा, नरेंद्र पांडे, प्रफुल्ल सिंह, ज्योतिरेश्वर सिंह, कर्नल संजय सिंह, अमलेश्वर दुबे, नीलू मिश्रा, अविनाश वर्मा, रूपा सिंह, प्रदीप सिन्हा, धर्मेंद्र उपाध्याय, अरविंद गुप्ता, भोला सिंह, अरविंद सिंह, भीष्म चौरसिया समेत कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।